दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान स्टार है फिल्म अशोका के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अशोका मूवी में शाहरुख खान के अलावा करीना कपूर, अजीत कुमार और ऋषिता भट्ट भी अहम रोल में है। शाहरुख खान स्टार है फिल्म अशोका 26 अक्टूबर सन 2001 को रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि यह एक हिस्टोरिकल इपिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी का निर्देशन संतोष सिवान ने की थी। अशोका मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट 12 करोड़ रुपए था। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म अशोका पहले दिन 97 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी। अगर बात करें अशोका मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो यह फिल्म पहले वीक में 5 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। वहीं अगर बात करें इस मूवी के लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में तो अशोका मूवी का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड़ 40 लाख रुपए रहा था। अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 27 करोड़ 92 लाख रुपए रहा था। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो यह मूवी ओवरसीज में 8 करोड़ 72 लाख रुपए की कमाई की थी, जबकि इस मूवी की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 19 करोड़ 20 लाख रुपए रहा था। तो दोस्तों इस तरह से शाहरुख खान और करीना कपूर की इस फिल्म को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत से कम रही थी। दोस्तों अगर आपने अशोका मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों नए व पुराने फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।